बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं आपकी शारदा मैम। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पाठ पाँच। बच्चों मैंने पाठ पाँच में आपको जो ये रेल का खेल है चूहो वाला, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि इसमें कैसे चूहे और बिल्ली रेल बनाते हैं और बिल्ली कैसे उनको बेवकूफ़ बनाती है, उन्हें खाने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कैसे खेल खेलने के लिए बोलती है, और चूहे अपनी चालाकी दिखाकर अपनी जान बचा लेते हैं। हाँ बच्चों, इस पाठ को मैंने आपको पढ़ा चुका है कि चूहे और बिल्ली रेल की तरह कैसे खेलते हैं और दोनों अपनी अपनी चालाकी दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इससे पहले देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ है ना। तो बच्चों आप लोग क्या करना है, शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मौसी। मौसी मतलब किसको बोलते हैं बताइए, मौसी आप लोग की भी मौसी होती है ना। मौसी किसे कहते हैं, माँ की बहन को, जो मम्मी की बहन होती है उसे हम लोग मौसी कहते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राह। राह मीन्स क्या होता है, रास्ता है ना, जैसे रास्ता होता है कहीं जाने का रास्ता बनाता है रास्ता। एक है यहाँ पे क्या लिखा है, वेग। वेग मीन्स होता है तेज गति, जैसे आप लोग बाइक में बैठे होंगे, बाइक को बहुत तेज चलाते हैं ना, तो उसको वेग बोलते हैं। फिर हवा चलता है बहुत तेज, उसको भी वेग बोलते हैं, जिसकी स्पीड बहुत होती है, बहुत तेज होती है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गति। गति मतलब होता है चाल है ना, मतलब जो हम लोग गति चलाते हैं, चाल, किसी की चाल धीरे होती है, चलने की क्रिया, चाहे वो गाड़ी की हो, इंसान की हो, चाहे किसी की भी हो, है ना, चलने की क्रिया, चाल है ना, स्पीड। ठीक है, यहाँ पे मोड़ना। मोड़ना मीन्स जानते हो ना, दिशा बदलना, जैसे आप लोग सीधे सीधे जा रहे हो और मुड़ गए है ना, तो उसको बोलते हैं दिशा बदलना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छिपना। छिपना मीन्स क्या होता है, आप तो कुछ जानते हो, आड़ में हो जाना, मतलब छिपना, छिप जाना है ना, किसी के सामने ना आना, छिप जाना। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको क्या करना है, अभ्यास को अपनी कॉपी में लिखना है। अब देखिए आगे में क्या दिया हुआ है, अभ्यास है ना। देखिए यहाँ पे मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, चलो मैं आपको बता देती हूँ मौखिक रूप से, फिर इसको आपको मैं लिख के बताऊंगी। ठीक है, किसने चूहों से रेल का खेल खेलने को कहा, किसने कहा था चूहों को रेल का खेल खेलने के लिए, तो किसने कहा था, बिल्ली ने कहा था। यहाँ पे क्या आएगा, बिल्ली। फिर चूहों के बिल्ली को क्या बनने को कहा, बताओ, चूहों के बिल्ली को, सॉरी यहाँ पे के नहीं आएगा, क्या यहाँ पे क्या आएगा, ने। चूहों ने बिल्ली को क्या बनने को कहा, चूहों ने बिल्ली को इंजन बनने को कहा। क्या बनने को कहा, इंजन बनने को कहा। ठीक है, दो चक्कर पूरे करने के बाद किसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, बताइए, जब दो चक्कर पूरा हो गया तो किसने अपनी जो रफ्तार थी उसको तेज कर ली, बिल्ली ने, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो चक्कर पूरे कर बिल्ली और वेग से दौड़ी, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको हमको लिखना है। देखिए, बिल्ली ने चूहों से क्या कहा, बिल्ली ने चूहों से रेल का खेल खेलने के लिए कहा। ठीक है, तब चूहों ने क्या उत्तर दिया, बताओ, तब चूहों ने उत्तर दिया कि तुम इंजन बन जाओ और हम क्या बन जाएंगे, डिब्बा बन जाएंगे, है ना। ठीक है, क्या बोले चूहे ने, चूहों ने कहा कि बिल्ली मौसी तुम इंजन बन जाओ और हम क्या बन जाएंगे, डिब्बे बन जाएंगे। अंत में चूहों ने क्या किया, अंत में चूहों ने अपनी दिशा मोड़ ली। क्यों मोड़ ली, क्योंकि जो बिल्ली थी अपना जो वेग था, रफ्तार उसको और तेज कर ली थी, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्न ग, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां गलत है, इन्हें ठीक करके लिखिए। ठीक है, देखें कुछ पंक्ति गलत है, देख, तुम आगे डिब्बा बन जाओ, दौड़ोगी तब रेल। तो यहाँ पे आएगा डिब्बा, आएगा क्या आएगा, यहाँ पे तुम इंजन बन जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमको लिखना है तुम इंजन बन जाओ, है ना। ठीक है, तुम आगे इंजन बन जाओ, यहाँ पे आगे भी आएगा। ठीक है, आगे
तुम आगे इंजन बन जाओ, है ना? क्या बन जाओ? तुम आगे इंजन बन जाओ। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दौड़े की तब रेल, है ना? हुआ खेल का रेल शुरू, यूं बिल्ली पीछे दौड़ी। हुआ खेल का, है ना? हुआ रेल का खेल शुरू, यूं बिल्ली आगे और चूहा क्या हुआ, पीछे। ठीक है, ये भी क्या आएगा, हुआ रेल, हुआ रेल का खेल यूं रेल का खेलियों बिल्ली आगे दौड़ी। बिल्ली कहाँ दौड़ी? बिल्ली पीछे दौड़ी कि आगे? तो बिल्ली आगे दौड़ी, है ना? अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कविता के अनुसार गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। रेल के खेल में चूहे आगे आगे दौड़े और बिल्ली उनके पीछे पीछे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गलत, है ना? क्योंकि बिल्ली आगे थी तो यहाँ पे गलत। फिर देखिए बिल्ली तीसरे चक्कर में तेज दौड़ी, नहीं गलत, बिल्ली दूसरे चक्कर में तेज दौड़ी, है ना? अंत में बिल्ली ने दौड़कर चूहों को पकड़ लिया, नहीं बिल्ली ने कहाँ पकड़ा, चूहे तो अपनी बिल में चले गए, है ना? तो गलत, तीसरे चक्कर में चूहे अपनी बिल में छिप गए, सही, है ना? तीसरे चक्कर में चूहे अपनी बिल में चले गए, देखो, और छिपे हुए बिल में बोले, है ना? वो तो दूसरे चक्कर में ही अपने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गलत, वो दूसरे चक्कर में ही अपने बिल में चले गए दिशा मोड़ के, है, चक्कर ही नहीं लगाए। अब देखिए सही उत्तर पर निशान लगाओ। बिल्ली दौड़ में क्या बनी थी, डिब्बा बनी थी, इंजन बनी थी, पहिया क्या बनी थी, इंजन। ठीक है, अब देखिए चूहे कहाँ जाकर छिप गए थे, बिल में, घर में, ट्रेन में, कहाँ छिपे थे, बिल में। चूहे बिल्ली को क्या कहकर बुलाते हैं, बुआ, चाची, मौसी, बताइए आप लोग क्या बोलते हो बिल्ली को, मौसी, है ना? बिल्ली मौसी बोलते हैं ना, बिल्ली मौसी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरिए, दो चूहे आगे बिल, अब इसमें सबको छाट के इसमें भरना है। देखिए बिल्ली के साथ चूहे दौड़ रहे थे, है ना? चूहे दौड़ रहे, बिल्ली सबसे आगे दौड़ रही थी। ठीक है, बिल्ली ने दौड़कर दो चक्कर पूरे किए, क्या आएगा यहाँ पे, दो चक्कर पूरे किए, चूहे दौड़कर अपने बिल में जाकर छिप गए। ठीक है, देखिए, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा अभ्यास पूरा हुआ, है ना? यहाँ पे हमारा अभ्यास पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसको हमको क्या करना है, कहानी लिखना है। ठीक है, आप लोगों को ये होमवर्क है आप लोगों का कि इसको अपनी कॉपी, इसको, इसकी कहानी आप लोगों को लिखना है। देखिए मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है, एक कुत्ता रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक कुत्ता है जो एक रोटी के टुकड़े को देखा, एक रोटी को देखा है देख रहे हैं। अब देखिए एक कुत्ता क्या करता है, इस रोटी के टुकड़े को पकड़ता है और उसको लेके जाते रहता है। फिर पुल के पास देखता है, पुल के नीचे में नदी रहती है,
देखता है पुल के नीचे, अचानक वो देखता है, तो देख क्या देखता है पुल के नीचे वो, कि पानी में उसकी छाया है, लेकिन कुत्ते को समझ नहीं आ रही कि छाया है। उसको लगता है कि एक और कुत्ता है जो वहाँ पे रोटी लेके रखा है, अगर मैं उसका रोटी ले लूँ तो मेरे पास दो रोटी हो जाएंगी, है ना। इसीलिए क्या करता है वो, उसको कुत्ते को डराने के लिए उसके ऊपर भौंकता है, भौंकने की कोशिश करता है, तो जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है वैसे ही रोटी चली जाती है। फिर अब कुत्ता क्या करता है, रोते वहाँ पे बैठे रहता है ना, क्योंकि उसके लालच के वजह से जो उसके पास रोटी थी वो भी वहाँ से उससे चली गई, है ना। इसीलिए बच्चों हम लोग को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, है ना। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है, इसमें से हमको कि कभी हमको लालच नहीं करना चाहिए, और इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली, क्या मिली कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, है ना, और अपना दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों जो इसका प्रश्न उत्तर है उसको मैं आपको लिख के अपने अगले वीडियो में भेजूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।